हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस मेडिसिन का नाम टोसेफ है। यह कई वेराइटीज में उपलब्ध है और इसे सिनकेम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। रिव्यू को करूँ स्टार्ट, इसके पहले करूँगा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वाइडेस्ट रेंज ऑफ सेप्रोडॉक्सिम टोसेफ, इसमें जो कंटेंट मॉलिक्यूल रहता है सेप्रोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल रहता है। यहाँ पर जैसे सामने आप देख पा रहे हैं, पीडियाट्रिक डोज, एडल्ट डोज, सायरप, क्लेविलेनिक एसिड के साथ में, बिना क्लेविलेनिक एसिड के और ओफ्लॉक्सासिन के साथ में आप ऑन द स्क्रीन सामने देख पा रहे हैं। मैं अगर और डिटेल में बात करूं तो इन इन्फेंट के लिए टोसेफ ड्रॉप्स, चिल्ड्रन के लिए टोसेफ 50 mg डिस्पर्सिबल टेबलेट, 100 mg डिस्पर्सिबल टेबलेट, 50 mg ड्राई सायरप, 100 mg ड्राई सायरप, और फॉर एडल्ट के लिए 200 mg डिस्पर्सिबल टेबलेट टोसेफ का उपलब्ध है। टोसेफ सीवी की अगर बात करें तो इसमें सिप्रोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल एंड पोटेशियम क्लोविलेनिक एसिड है। यहाँ पर ड्रॉप्स बच्चों के लिए टोसेफ सीवी के नाम से है, जिसमें सिप्रोडॉक्सिम 50 mg और पोटेशियम क्लोविलेनेट 31.25 mg है। इसके बाद अगर चिल्ड्रन के लिए बात करें तो टोसेफ सीवी 50 डिस्पर्सिबल टेबलेट, 100 डिस्पर्सिबल टेबलेट और 50 ड्राई सायरप है। टोसेफ सीवी अगर एडल्ट के लिए बात करें तो 200 mg का टेबलेट प्लस 125 mg का क्लेविलेनेट एसिड है। इसके बाद टोसेफ ओ यानी सेप्रोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल प्लस ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन की बात करें तो चिल्ड्रन के लिए 100 mg डिस्पर्सिबल टेबलेट और एडल्ट के लिए 200 mg डिस्पर्सिबल टेबलेट इस वाइड रेंज में उपलब्ध है। अब बात करते हैं इसके ग्रुप की, तो यह थर्ड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिंस है। यह स्ट्रांग एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। इसके बाद इसकी उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग फेरिंजाइटिस में होता है, टॉन्सिलाइटिस में होता है यानी गले का इन्फेक्शन है, और टॉन्सिल जब सूजन हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में यूज़ में आता है। सर्जिकल इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का होता है तब इस्तेमाल में आता है। गोनोरिया की स्थिति में भी इसे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किन स्थितियों में इसे नहीं देना चाहिए। तो हाइपर सेंसिटिविटी के केस में नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं देना चाहिए, 1 वर्ष से छोटे बच्चे यानी इन्फेंट को बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। इसके बाद लीवर डैमेज, किडनी डैमेज की स्थिति में इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपलब्धता की बात करें जहाँ तक, तो यह मेडिसिन टेबलेट, सायरप, कैप्सूल आदि रूपों में उपलब्ध है। मात्रा की बात करते हैं तो 100 mg से 400 mg दिन में 2 बार 1 से 2 सप्ताह तक के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में 5 mg दिन में 2 बार 1 से 2 सप्ताह तक इस्तेमाल किया जाता है, अथवा 10 mg 1 बार प्रतिदिन 1 से 2 सप्ताह तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उल्टी आना, जी मिचलाना, दस्त लगना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, खुजली, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, लीवर डैमेज होना, किडनी डैमेज होना और हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण डेवलप होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। विशेष सावधानियां गर्भावस्था, दुग्धावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में मेडिसिन का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। लीवर डैमेज और किडनी डैमेज के केस में कम मात्रा में मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी सिप्रोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल कंपोनेंट के ऊपर। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना अमूल्य सुझाव मुझे अवश्य दें और सिर्फ मेरे रिव्यू के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से मिलें, उसके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर मेरे द्वारा किसी अन्य मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। गुड बाय। जय हिंद।